नमस्कार दोस्तों, मेडिसिनल किंगडम में आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, फिर से मैं बात कर रहा हूँ बीईएमएस का, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। मेरा बहुत सारा वीडियो दोस्तों आ चुका है बीईएमएस के ऊपर, 4-5 वीडियो मैंने अभी तक बना चुका है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है, उस वीडियो में मैंने सारा सब कुछ बताया है बीईएमएस का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ड्यूरेशन क्या है, स्कोप क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है, करने के बाद स्टूडेंट का फ्यूचर कैसा रहेगा, होने वाला है, वो सब मैंने बताया हुआ है उस वीडियो में। तो उस वीडियो को आप लोग अगर देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और देख सकते हो वहाँ पर आप जा करके। तो बात करते हैं दोस्तों बीईएमएस का। तो आज दोस्तों जो मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ, ये वो बिहार वालों के लिए है, बिहार वाले स्टूडेंट के लिए है। दोस्तों जो भी कैंडिडेट्स बिहार के हैं, जो भी बीईएमएस बिहार के से करना चाहते हैं, बिहार से करना चाहते हैं, वो उनके लिए एक इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। उसके बारे में बताऊँगा कि वो कहाँ से कौन से इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों और मैं बताता हूँ कि कौन से इंस्टीट्यूट से आपको करना है। तो ऐसे तो दोस्तों सिवान में कॉलेज है, बिहार सिवान में कॉलेज है, उसका NIIMS करके कॉलेज है, नाज इंतकाब करके एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी कॉलेज है, वहाँ से भी कर सकते हैं, और भी एक दो कॉलेज है कहीं कहीं, वहाँ से भी कर सकते हैं। और नहीं तो एक पटना में है दोस्तों, बिहार पटना में है, जो कि मैं भी बताऊँगा जिसके बारे में, जहाँ से कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी और BEMS और CMSED दोनों एक साथ, मतलब आप कर सकते हैं अगर वहाँ से चाहें तो। CMSED होता है दोस्तों, मतलब ग्रामीण चिकित्सा का जो कोर्स होता है वो, और BEMS इलेक्ट्रोपैथी का। तो वो दोनों आप कर, मतलब दोनों इस इंस्टीट्यूट में कराया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों उस इंस्टीट्यूट की तरफ और मैं बताता हूँ। तो पहले आपको उस इंस्टीट्यूट के साइट पर जाने के लिए आपको गूगल पे जाना होगा, सर्च इंजन पे जाने के बाद आपको टाइप करना है वीर WERBHARAT भारत.com, वीरभारत.com पे आपको जाना है। ऐसे देख सकते हैं, इस तरह से आपको जाना है, बस डायरेक्ट आपका जो है वो साइट खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर देखने को मिल जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फ़ोन नंबर है, इस पे आप कंसल्ट करके आप डायरेक्ट एडमिशन जो करवाते हैं उनसे बात कर सकते हैं आप। तो डायरेक्ट यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, यहाँ से इससे बात कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर्म, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से अगर बिहार से हैं और करना चाहते हैं इस कोर्स को, तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं खुद से। उसके बाद ये जो कैंडिडेट हैं जो कि एडमिशन करवाते हैं, ये उनसे आप बात कर सकते हैं इस नंबर पे फॉर्म अप्लाई करने के बाद। उसके बाद कुछ पैसा आपको वो 7-8 हज़ार रुपये के आसपास जो है आपको एडमिशन टाइम में लगता है अभी BEMS में। तो BEMS क्या है, मैं उसके बारे में वीडियो मैंने बना चुका है दोस्तों, जिनको भी इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी चाहिए वो मेरे पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं, मैंने 4-5 वीडियो उसमें पे बनाया है BEMS के ऊपर। तो जो भी इस कोर्स में अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं, इस कोर्स को करना चाहते हैं और बिहार से अगर हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो फ़ोन नंबर है इस पे आप बात कर सकते हैं सर से। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई नाउ है, इस पे अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे करके मैं दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म ओपन हो गया दोस्तों, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं खुद से। उसके बाद जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है उससे आप जो है डायरेक्ट बात करके आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आते हैं दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च, इस इंस्टीट्यूट का नाम है दोस्तों द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च, बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है दोस्तों। यहाँ के जो एडमिशन इंचार्ज हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, पॉलिटिशियन टाइप के पर्सन हैं, बहुत ही अच्छे पर्सन हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं CMSED कोर्स इन बिहार, CMSED कोर्स फीस इन UP, CMSED एडमिशन, CMSED कोर्स इग्नू, उसके बाद CMSED कोर्स मेडिसिन लिस्ट, CMSED कोर्स इन गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे CMSED ये करवाते हैं, हर बहुत जगह पे करवाते हैं CMSED। CMSED दोस्तों क्या है, CMSED एक ऐसा कोर्स है जिसमें हम एलोपैथ मेडिसिन को, अंग्रेजी मेडिसिन को से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
CMSED के जरिए। उससे क्या होता है कि जैसे कि ग्रामीण कोई चिकित्सा है उसमें 100 मेडिसिन का लिस्ट रहता है, उस मेडिसिन के अंदर में हमें ट्रीटमेंट करना होता है पेशेंट का ग्रामीण क्षेत्र में। अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन रहता है तो उस कंडीशन में पेशेंट को अपने से बड़े जो डॉक्टर हैं MBBS वाले या BMS वाले या और भी BMS वाले या BMS वाले या BHMS वाले या MBBS वाले या इलेक्ट्रोपैथी BEMS वाले उसके पास भेजना होता है अगर पेशेंट का कंडीशन ज़्यादा सीरियस रहा तो, या ज़्यादा ये है तो, मतलब डॉक्टर के पास उनको भेजना है, शहरी क्षेत्र में भेजना है। मतलब फर्स्ट एड के लिए ये कोर्स होता है दोस्तों। तो इस इंस्टीट्यूट में CMSED और BEMS दोनों एक साथ अगर जो करना चाहते हैं वो BEMS और CMSED दोनों एक साथ कर सकते हैं। दोनों एक साथ मतलब इसमें करवाया जाता है, जो इच्छुक हैं वो दोनों एक साथ कर सकते हैं, ताकि BEMS करके आप जो है एक डॉक्टर का पद ले लिए, एक डॉक्टर आपके नाम के आगे डॉक्टर लग गया और आप एक कंप्लीट डॉक्टर बन गए। और CMSED में क्या है दोस्तों, CMSED करने के बाद BEMS एक इलेक्ट्रोपैथी है जो कि आयुर्वेद हर्बल मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन जब हम CMSED साथ में BEMS के साथ CMSED किए हुए हैं तो हम लोग कुछ एलोपैथ मेडिसिन भी पेशेंट को दे सकते हैं, उससे ट्रीट कर सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसलिए ये दोनों कोर्स को इसमें साथ में करवाया जाता है। तो बेस्ट बेस्ट है दोस्तों ये इंस्टीट्यूट, यहाँ से कर सकते हैं। और ये दोनों कोर्स दोस्तों इस कॉलेज में 2,60,000 मतलब 2,60,000 में करवा दिया जाता है कंप्लीट। 5 साल का जो कोर्स होता है ये कंप्लीट करवा दिया जाता है। तो मतलब जो है ये बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है दोस्तों। बिहार से जो भी है यहाँ से कर सकते हैं, बाहर से बिहार के बाहर से भी हैं वो भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो BEMS कोर्स का, ये CMSED कोर्स का जो ये है इलेक्ट्रो सिलेबस है जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रिस्क्राइब वेरिएशन कॉलेज फर्स्ट ईयर। देख सकते हैं दोस्तों इसका जो सब्जेक्ट है इसमें जो पढ़ाया जाता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी फूड एंड हाइजीन इलेक्ट्रो होम्योपैथी फार्मेसी सेकेंड ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी वगैरह ये सब जो है पैथोलॉजी ये सब गायनोकोलॉजी ENT ऑप्थमोलॉजी उसके बाद यहाँ पे देख प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन सर्जरी है उसके बाद मेडिकल जुरिसप्रूडेंस है उसके बाद पेडियाट्रिक और ऑब्स्टेट्रिक्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से ये है। और ये दोस्तों पटना का जो है ये इंस्टीट्यूट है वहाँ से करवाया जाता है। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप लोग अगर चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। आप लोग डायरेक्ट आकर के गूगल पे veerbharat.com WERBHARAT.com सर्च कीजिए गूगल पे, तो ये आपका इस तरह का जो पेज है ये ओपन हो जाएगा दोस्तों। आपको इस तरह का जो पेज है डायरेक्टली इस तरह से ओपन हो जाएगा, इस तरह से आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फ़ोन नंबर है, यहाँ पे फ़ोन नंबर आप इस फ़ोन नंबर पे आप बात कर सकते हैं और यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं BEMS DEHMS MDEH PhD CMSED ये सब करवाया जाता है यहाँ पे दोस्तों। बिहार से जो भी हैं वो इस इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, अच्छी इंस्टीट्यूट है, ट्रस्टेड है। और यहाँ के जो एडमिशन करवाते हैं वो भी खुद BEMS डॉक्टर हैं और बहुत ही अच्छे पर्सन हैं वो। तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, जो भी बिहार के हैं वो इस वीडियो को देख करके इस साइट पे आ करके और आप लोग इससे कंसल्ट करके आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और उनसे अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, बहुत अच्छे से वो बात करते हैं, जो भी एडमिशन कंसल्टेंट हैं वो बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। उनसे आप कंप्लीट बात कर लीजिए, फुल्ली संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद फिर आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं जो भी बिहार UP से हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोग से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।